दोस्तों, CGPSC एग्ज़ाम 2019 का मेंस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो गया है, जिसमें राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 के लिए ऑनलाइन फॉर्म आप 27/1 2021 से 5/2/2021 तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म में किसी प्रकार का त्रुटि होता है तो आप उसका सुधार जो है 7/2/2021 से 8/2/2021 तक आप इसका सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, राज्य सेवा प्रारंभिक परिषद 2019 का आयोजन प्रदेश के 16 मुख्यालय में किया गया था, लेकिन दोस्तों CGPSC मुख्य मेंस एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म आप सुविधा के अनुसार 27/1/2021 से दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो गया है, जिसमें 5/12/2021 तक यह रात्रि के 11:59 तक चलेगा। यह ऑनलाइन फॉर्म आप CGPSC के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें आपको अगर किसी प्रकार से त्रुटि होता है तो आप इसके लिए 7/2/2021 से 8/2/2021 तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप यानी कि सुधार कर सकते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा के आवेदन में किसी प्रकार का त्रुटि होता है तो जिसमें आपको त्रुटि के लिए पोर्टल शुल्क 30 रुपये प्लस GST शुल्क देना होगा, जिसमें केवल एक बार ही त्रुटि सुधार कर सकें, केवल एक ही बार आपको अपना किसी भी गलती को सुधार कर सकते हैं, जिसमें दिनांक 8/2/2021 के बाद में किसी भी प्रकार कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगी। इसके संदर्भ में दोस्तों, आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा तथा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 का ऑनलाइन फॉर्म में दी गई जानकारी साक्षात्कार के पूर्व मूल दस्तावेज के सत्यापन के दौरान ही सही नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थियों को अनर्हित घोषित कर दिया जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपने फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप कर लें। तो अब आते हैं दोस्तों, आपको ऑनलाइन फॉर्म के लिए फ़ीस कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के और निःशक्त जन श्रेणी के अभ्यर्थी से 300 रुपये तथा छत्तीसगढ़ अनारक्षित और छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के मूल निवासी हैं तो उसे 400 रुपये देना पड़ेगा। इसी प्रकार से तो दोस्तों, उपयुक्त शुल्क के अतिरिक्त आवेदक को जो है पोर्टल शुल्क 30 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। ये दोस्तों, इस प्रकार से यह CGPSC मेंस एग्ज़ाम के लिए यह ऑनलाइन फॉर्म लिंक ओपन हो गए हैं। तो आप जो भी छात्र पात्र हैं वो अपना ऑनलाइन फॉर्म इस तिथि के अंदर में अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों, मुख्य परीक्षा की आयोजन योजना तथा पाठ्यक्रम 2019 की विस्तृत विज्ञापन जो रोजगार नियोजन रोजगार 27/11/2021 अंक में प्रकाशित किया गया था, सब विस्तार उल्लेखित हैं। उपयुक्त आवेदन को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तभी ऑनलाइन आवेदन करें। यह दोस्तों, इसके लिए भी डेट जारी कर दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों, यह वीडियो का आपके सभी मित्रों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।